गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल सी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन फॉर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल देखे थे, अब हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए देखेंगे। तो देखो, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए क्या होता है, लेट कैपिटल एक्स बी द कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन फॉर कैपिटल एक्स इज डिफाइंड एज ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए समेशन आता था, अगर आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखे होंगे तो ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू इस तरह से लिखते थे, समेशन एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स एक्स एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए है, समेशन सम करते थे वहाँ पे। अब ये सम की जगह जो है हम इंटीग्रेशन लगाएंगे, टर्म्स वही है एक्स एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे भी एक्स एफ ऑफ एक्स है, राइट है। तो इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए रहेगा। ध्यान रखना है आपको, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल जब भी आएगा तो आपको इंटीग्रेशन करना है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल आएगा तो आपको सम करना है, समेशन करना है। दोनों के डेफिनेशन में माइनर सा डिफरेंस है। उसके बाद मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन की भी डेफिनेशन एज इट इज रहेगी। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल आपने पढ़े एम एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू, एम एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू क्या होता था, समेशन e रेस टू पावर टी एक्स एफ ऑफ एक्स, राइट है। अब ये समेशन की जगह यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी e रेस टू पावर टी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, बस ये दो डेफिनेशन के अंदर चेंज है, बाकी जो हमने पढ़े थे वेरिएंस ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशंस, वो सारी चीज़ें जो है वो एज इट इज हमको सॉल्व करनी है इसके अंदर, जैसे हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए सॉल्व किए थे। चलिए देखते हैं इसके ऊपर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर वन। एग्जाम्पल नंबर वन है, लेट कैपिटल एक्स बी द रैंडम वेरिएबल हैविंग डेंसिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर माइनस एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो, एक्स लेस देन जीरो। फाइंड ई ऑफ एक्स, ई ऑफ एक्स स्क्वायर, वेरियंस ऑफ एक्स, सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, ई ऑफ ई रेस्ट पावर टू एक्स अपॉन थ्री, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, फर्स्ट फोर मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन, फर्स्ट फोर मोमेंट्स अबाउट मीन। अब इतने सारे एग्जाम्पल आपको एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, इसमें से दो तीन एग्जाम्पल आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है। ये मैं सारे एग्जाम्पल लेकर आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा है x बी द रैंडम वेरिएबल हैविंग डेंसिटी फंक्शन, x जो है वो ये जो है डेंसिटी फंक्शन है, डेंसिटी फंक्शन इसका मतलब ये है कि जो x है वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। इसके पहले बताया था मैंने आपको कि मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी फंक्शन फॉर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल को आप डेंसिटी फंक्शन बोलते हैं, तो जहाँ डेंसिटी फंक्शन वर्ड आया मतलब ये जो रैंडम वेरिएबल है वो कंटिन्यूस है। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो एक्सपेक्टेशन रहेगा ई ऑफ एक्स, पहले क्वेश्चन का आंसर आपको ई ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है, चूंकि ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करना है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखो दो इंटरवल में डिवाइड है, ये एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है और एक्स लेस देन जीरो है। इसके पहले भी हमने कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए जो देखे थे कि हमको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, मतलब आपको ये इंटरवल को, ये जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है इसको इस इंटरवल के हिसाब से ब्रेक करना है। तो कैसे ब्रेक होगी, ये आपका रियल लाइन है, लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस इन्फिनिटी है, बीच में जीरो है, राइट हैंड साइड पे जो है वो प्लस इन्फिनिटी है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब ये हुआ कि x जो है वो जीरो और जीरो से बड़ा है, तो जीरो और जीरो से कितना बड़ा है, इन्फिनिटी तक के बड़ा है, मतलब उसका इंटरवल ये रहेगा जीरो से इन्फिनिटी, राइट है। x लेस देन जीरो मतलब जीरो से छोटा है, तो जीरो से छोटा है मतलब कितना छोटा है, कहाँ तक के छोटा हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी तक के छोटा हो सकता है, मतलब x लेस देन जीरो की जो लिमिट है, x लेस देन जीरो की लिमिट जो है वो माइनस इन्फिनिटी से जीरो है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो की जो लिमिट है वो जीरो टू इन्फिनिटी है। ठीक है, तो मैं इस लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को ब्रेक कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से शुरू करके जीरो एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और प्लस इंटीग्रेशन जीरो से फिर स्टार्ट करेंगे और प्लस इन्फिनिटी तक के एक्स एफ ऑफ एक्स। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ये जो हमने लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को ब्रेक किए, ये इंटीग्रेशन जो क्वेश्चन के अंदर इंटरवल दिए उस हिसाब से हमने ब्रेक किए। अब पहले इंटीग्रेशन पे जो लिमिट है माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो मतलब एक्स लेस देन जीरो, और x लेस देन जीरो के लिए एफ ऑफ एक्स आपको जीरो लेना है। तो जब मैं यहाँ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो लूँगा तो ये पूरा इंटीग्रेशन पहला वाला क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, e ऑफ x इज इक्वल टू पहला इंटीग्रेशन जीरो हो गया, प्लस दूसरा इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो टू इन्फिनिटी एक्स
और उसके बाद क्या है एफ ऑफ एक्स, जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो टू इन्फिनिटी मतलब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स लेना है। तो यहाँ पे ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना है, एक्स इंटू ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करना है, मतलब आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना है। ये इंटीग्रेशन, इस टाइप की इंटीग्रेशन हम बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं, फूरियर सीरीज में भी सॉल्व करे हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। डायरेक्ट वाला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ई रेस्ट पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस्ट पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन, ठीक है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा वन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब ये ब्रैकेट का इंटीग्रेशन, ये पूरे ब्रैकेट का इंटीग्रेशन, ई रेस्ट पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन का इंटीग्रेशन होगा ई रेस्ट पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन, और माइनस वन ऑलरेडी है तो माइनस वन इंटू माइनस वन क्या हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा, और ये इंटीग्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि प्लस करके आपको फिर इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा और वन का डेरिवेटिव जीरो होता तो अगला टर्म जो है वो इसका जीरो है, जीरो टर्म्स लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो ये इंटीग्रेशन जो है वो कंप्लीट हो गया और आपको लिमिट अप्लाई करना है जीरो टू इन्फिनिटी। तो पहले इसको अरेंज करके लिख लेते या फिर डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर देते, अपर लिमिट इन्फिनिटी अप्लाई करना है तो देखो ई रेस्ट टू पावर माइनस इन्फिनिटी, एक्स की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो ई रेस्ट टू पावर माइनस इन्फिनिटी, ई रेस्ट टू पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो होता है तो ये हो जाएगा जीरो। यहाँ पे ई रेस्ट टू पावर माइनस इन्फिनिटी, एक्स की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो ई रेस्ट टू पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, तो ये होगी अपर लिमिट। माइनस अब लोअर लिमिट रखते, लोअर लिमिट जीरो रखना है, एक्स की जगह जीरो रखेंगे तो ये जीरो मल्टीपल समथिंग पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, माइनस एक्स की जगह जीरो रखेंगे तो ई रेस्ट टू पावर जीरो वन होता, वन अपॉन वन वन, वन इंटू वन वन, इट इज़ आंसर वन। तो ये माइनस इसमें इंटर होगा तो प्लस वन आंसर, तो ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना आंसर आ गया वन आ गया, ठीक है। अब इसी तरह से हम जो है सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ई ऑफ एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है ई ऑफ एक्स स्क्वायर, ई ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। जिस तरह से हमने ई ऑफ एक्स की वैल्यू लिखे, ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। अब आपको पता है डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, ये जो है वो पहला वाला जो इंटीग्रेशन है वो जीरो होने वाला, तो इसमें भी ऐसे ही होगा, इसलिए मैं डायरेक्टली ये वाला इंटीग्रेशन लगा देता हूँ। तो इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। हम डबल डबल जो है उसका ब्रेक नहीं करेंगे लिमिट को, पता है ऐसा ब्रेक होने वाला है, फिर बाद में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इसमें आएगी, इसमें जीरो आएगी, ये जीरो हो जाएगा और ये आंसर आएगा, और इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, वापस से इंटीग्रेशन बाय पार्ट जैसा हमने पहले किए थे। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन आपको करना है। तो देखो फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ये वाले ब्रैकेट का इंटीग्रेशन, ये वाले ब्रैकेट का इंटीग्रेशन ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन अपॉन माइनस वन, ये हो गया प्लस वन, ठीक है। उसके बाद प्लस, अभी इसका डेरिवेटिव बाकी है, प्लस टू एक्स का डेरिवेटिव टू हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन ये सेकंड टर्म मतलब इसका इंटीग्रेशन ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन का इंटीग्रेशन ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन हो जाएगा। अब जो है अगला टर्म जो है वो ये टू का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो टू का डेरिवेटिव जीरो होगा, अगला टर्म जीरो हो जाएगा, इसलिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, लिमिट जो है वो जीरो टू इन्फिनिटी आ गई। अब लिमिट अप्लाई करते, अपर लिमिट रखेंगे, एक्स की जगह रखना आपको इन्फिनिटी, तो देखो यहाँ पे ई रेस्ट टू पावर माइनस इन्फिनिटी, ई रेस्ट टू पावर माइनस इन्फिनिटी, ई रेस्ट टू पावर माइनस इन्फिनिटी, तीनों टर्म के अंदर एक्स की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो लोअर लिमिट अपर लिमिट जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी जीरो हो जाएगी। माइनस लोअर लिमिट रखते, लोअर लिमिट रखेंगे तो देखो एक्स है यहाँ पे, एक्स की जगह जीरो तो ये जीरो हो गया, एक्स की जगह जीरो तो ये भी जीरो हो गया, तो ये पहला टर्म जीरो माइनस दूसरा टर्म जीरो और ये तीसरा टर्म प्लस प्लस टू और ये नीचे माइनस वन है तो ये माइनस टू और एक्स की जगह जब जीरो रखे तो ए रेस्ट टू पावर जीरो ये वन हो जाएगा, ठीक है, वन अपॉन वन वन, दैट इज आंसर टू, ठीक है। ये हो गई आपकी लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट इन्फिनिटी रखे तो पूरा का पूरा पार्ट जीरो, माइनस लोअर लिमिट जब जीरो रखे एक्स की जगह तो ये जीरो, ये भी जीरो और यहाँ पे जब जीरो रखे तो ये ई रेस्ट टू पावर जीरो वन हो गया, वन अपॉन माइनस वन माइनस वन, माइनस वन को जब इससे मल्टीपल करे तो ये माइनस टू आंसर आ गया। अब माइनस साइन ये वाला जब इसमें इंटर होगा तो ये प्लस टू हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा टू, ये ई ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई, ई ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू आंसर आ गया, ठीक है। तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन और ये सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन हमको कैलकुलेट करना है, वेरियंस ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है।
तो देखो मैं यहीं पे कैलकुलेट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर थ्री, वेरिएंस ऑफ एक्स। वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर। ई ऑफ एक्स स्क्वायर हमने कैलकुलेट किए 2, माइनस ई ऑफ एक्स हमने कैलकुलेट किए 1, 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1, 2 माइनस 1, 1, 1 आंसर। वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन हमको कैलकुलेट करना है सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स कैलकुलेट किया हमने 1, अंडर रूट 1 1 होता है, तो सिग्मा एक्स की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, तो ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन हमको कैलकुलेट करना है ई ऑफ ई रेस्ट टू पावर 2x अपॉन 3। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, e ऑफ e रेस्ट पावर 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी e रेस्ट पावर 2x अपॉन 3 एफ ऑफ एक्स। देखो जिस तरह से हमने e ऑफ x की वैल्यू लिखे थे, e ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू लिखे थे, वैसे ही हमने e ऑफ e रेस्ट पावर 2x अपॉन 3 की वैल्यू लिखी है। e ऑफ x की वैल्यू हमने यहाँ पे x था, e ऑफ x स्क्वायर आया तो यहाँ पे x स्क्वायर आया। अब यहाँ x की जगह e रेस्ट पावर 2x अपॉन 3 आया तो यहाँ पे भी e रेस्ट पावर 2x अपॉन 3 आएगा। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करने के लिए वापस आप ये माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दो इंटरवल में, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो और जीरो टू इन्फिनिटी। फिर उसके बाद माइनस इन्फिनिटी टू जीरो के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो है तो पहला इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा, और उसके बाद जीरो टू इन्फिनिटी के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? ई रे सुपर माइनस एक्स है तो वहाँ पर ई रे सुपर माइनस एक्स आ जाएगा। तो ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई रे सुपर पावर 2x अपॉन 3 और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ई रे सुपर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब आपको करना क्या है, देखो बेस अगर सेम है, यहाँ ये बेस अगर सेम है तो आप पावर में क्या करेंगे, एडिशन करेंगे और उसके बाद फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो मैं करता हूँ इसको, इसको मैं यहीं पे इरेज कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन जो है वो हमारे पास बाकी रहे। ठीक है, तो इसके आगे आप यहाँ कंटिन्यू करना, इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर, ये है 2x अपॉन 3, तो 2x अपॉन 3 और उसकी पावर है माइनस एक्स, तो उसको सॉल्व कर लो। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3, 3 से यहाँ क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो माइनस 3x, 2x माइनस 3x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3, तो e की पावर में माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3 डी एक्स। ई रेस्ट पावर माइनस एक्स बाई 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा? e रेस्ट पावर माइनस एक्स अपॉन 3 का इंटीग्रेशन e रेस्ट पावर माइनस एक्स अपॉन 3 डिवाइडेड बाई माइनस 1 अपॉन 3 होगा, और आपको लिमिट अप्लाई करना है 0 टू इन्फिनिटी। इज इक्वल टू अपर लिमिट रखेंगे x की जगह इन्फिनिटी, तो e रेस्ट पावर माइनस इन्फिनिटी, e रेस्ट पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा 0, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे x की जगह 0, तो e रेस्ट पावर 0 1 होता है, 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1 अपॉन 3। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और डिनोमीटर का डिनोमीटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, दैट इज आंसर आएगा 3। तो e ऑफ e रेस्ट पावर 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू आंसर आ गया 3 आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का भी आंसर आ गया है। अब हमको क्वेश्चन नंबर सिक्स सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है? मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो देखो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्वेश्चन नंबर सिक्स, एम एक्स ऑफ टी। तो एम एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू क्या होगा? एम एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू होगा, एम एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई रेस अपॉन टी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अभी जस्ट हमने देखे थे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की वैल्यू, तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन में यहाँ पे ई रेस्ट पावर टी एक्स आता है। ठीक है, अब फिर से जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को ब्रेक करना है क्वेश्चन के हिसाब से, और माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, जीरो टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो मतलब एक्स लेस देन जीरो, एक्स लेस देन जीरो के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो रखेंगे तो पहला इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा, और दूसरा इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो टू इन्फिनिटी के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे इसके अंदर? ई रे सुपर माइनस एक्स रखेंगे। तो ये एफ ऑफ एक्स की जगह ई रे सुपर माइनस एक्स और ये ई रे सुपर टी एक्स एज इट इज रहेगा। अब क्या करना है, बेस अगर सेम है तो पावर का क्या होगा? एडिशन होगा। तो पावर का एडिशन करते इसके बाद आगे यहाँ पे करेंगे, तो e रेस्ट टू पावर, इसकी पावर में टी एक्स है, इसकी पावर में माइनस एक्स है, x कॉमन है, दोनों जगह से x को कॉमन ले लेते, t माइनस वन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बन जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा e रेस्ट टू पावर
टी माइनस वन एक्स डिवाइडेड बाय टी माइनस वन और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है जीरो टू इन्फिनिटी। अब इस पर लिमिट अप्लाई करना है आपको अपर लिमिट एक्स, जब यहाँ अपर लिमिट जो है एक्स की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो ई रेस्ट टू पावर माइनस इन्फिनिटी आंसर आना चाहिए। देखो ध्यान रखना है यहाँ पे कि माइनस इन्फिनिटी आंसर आएगा तो ही जीरो आंसर आएगा, क्योंकि ई रेस्ट टू पावर इन्फिनिटी जो है वो इन्फिनिटी होता है, ई रेस्ट टू पावर माइनस इन्फिनिटी जो है वो जीरो होता है, तो हमको आंसर जीरो लाना है। तो एक्स की जगह जब इन्फिनिटी रखेंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी कब आएगा, जब ये ब्रैकेट की वैल्यू जो है वो नेगेटिव रहेगी। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली आंसर जो है वो जीरो लिख दे रहा हूँ और इसके आगे जो है मैं रीज़न दूंगा यहाँ पे टी जो है वो टी लेस देन वन रहना चाहिए। टी लेस देन वन क्यों रहेगा, टी लेस देन वन रहेगा, टी जो है वो वन से छोटा रहेगा तभी ये ब्रैकेट की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और ये ब्रैकेट की वैल्यू नेगेटिव रहेगी और एक्स की जगह यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा तो ये माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा, और ई रेस्ट टू पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू मैंने यहाँ पे जीरो लिखा, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे जीरो लिख दिया और यहाँ पे आगे रीज़न दे दिया कि टी जो है वो यहाँ पे क्या है, लेस देन वन है, लेस देन वन ही होना चाहिए, अगर ग्रेटर देन वन होगा तो आंसर जो है हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा, पूरा का पूरा आंसर गड़बड़ हो जाएगा। माइनस लोअर लिमिट एक्स की जगह जीरो रखेंगे, ई रेस्ट टू पावर जीरो वन होता है आपको पता है, वन डिवाइडेड बाय टी माइनस वन, ये माइनस साइन को मैं इसमें इंटर कर देता हूँ तो ये वन अपॉन वन माइनस टी हो जाएगा, ये एम एक्स ऑफ टी की वैल्यू है। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर। अब हमको कैलकुलेट करना है फर्स्ट फोर मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन। देखो फर्स्ट फोर मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन कैलकुलेट करने के लिए मैंने दो तीन मेथड आपको बताया हूँ, इससे पहले हमने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन मोमेंट अबाउट ओरिजिन जो है वो डेरिवेटिव वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट किए थे, अब हम वो सीरीज़ वाला जो सेकंड नंबर वाला मेथड है उससे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये सीरीज़ हमारे पास बनी है, वन अपॉन वन माइनस टी, वन अपॉन वन माइनस एक्स हमारे पास रिजल्ट है, हमने हम यूज़ किए हैं, वन अपॉन वन माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन, इस तरह का रिजल्ट हमारे पास अवेलेबल है, तो एक साथ चारों मोमेंट्स आ जाएंगे, चार बार इसको डिफ्रेंशिएट देने की ज़रूरत नहीं रहेगी, तो जहाँ जो मेथड आसान रहेगा वो मेथड को हम यूज़ करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर कैलकुलेट करने के लिए मैं ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एम एक्स ऑफ टी को इस रिजल्ट से जो है वो एक्सपांड करता हूँ। ठीक है, इस रिजल्ट से मैं एक्सपांड करूँगा तो ये बन जाएगा वन प्लस टी प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब प्लस टी रेस टू पावर फोर प्लस एंड फोर डैश डैश डैश। ठीक है, अब हमारे पास वो जो सीरीज थी अगर आप याद रखेंगे प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो मैंने आपको मेथड इस तरह से बताया था कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को आप इस तरह से लिख सकते हैं एम एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू वन प्लस म्यू डैश म्यू वन डैश टी प्लस म्यू टू डैश टी स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस म्यू थ्री डैश टी क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस म्यू फोर डैश टी रेस्ट पावर फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को अगर आप ये सीरीज के फॉर्म में लिख सकते हैं तो ये जो टी का कोफिशियंट दिख रहा है टी स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल का कोफिशियंट दिख रहा है टी क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल का कोफिशियंट दिख रहा है टी रेस्ट पावर फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल का कोफिशियंट दिख रहा है, ये फर्स्ट फोर मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन होंगे। राइट है, तो सीरीज तो हमारे पास बनी है ऑलरेडी, बस हमको करना क्या है, ये जो टी स्क्वायर दिख रहा है तो टी स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल बनाना है तो हम वहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे इसके जैसा उसको बनाएंगे, तो इज इक्वल टू वन प्लस टी प्लस टू फैक्टोरियल इंटू टी स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल। ठीक है, मैंने टू फैक्टोरियल से मल्टीपल दिया और टू फैक्टोरियल से डिवाइड किया ताकि मैं इसको ये सीरीज से मैच कर सकूँ। ठीक है, प्लस टी क्यूब का कोफिशिएंट जो है वो थ्री फैक्टोरियल टी रेस्ट पावर थ्री अपॉन थ्री फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस फोर फैक्टोरियल टी रेस्ट पावर फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। तो देखो अब ये सीरीज और ये सीरीज जो है वो एग्जैक्टली सेम है, तो म्यू वन डैश की जगह टी वन का कोफिशिएंट टी का कोफिशिएंट वन है, तो उसके बाद टी स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल का कोफिशिएंट जो है म्यू टू डैश जो सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन है, यहाँ पे टू फैक्टोरियल है और थर्ड मोमेंट थ्री फैक्टोरियल है, फोर्थ मोमेंट फोर फैक्टोरियल है, तो ये मोमेंट जेनेटिक फंक्शन से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये सीरीज फॉर्मूले से लिख सकते हैं कि फर्स्ट फोर मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन आर फर्स्ट देयरफॉर फर्स्ट फोर मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन आर फर्स्ट मोमेंट जो है वो म्यू वन डैश इज इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ टी, कोफिशियंट ऑफ टी है वन। ठीक है, उसके बाद म्यू टू डैश सेकंड मोमेंट्स कोफिशियंट ऑफ टी स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल,
टू फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल की वैल्यू टू होती है। उसके बाद थर्ड मोमेंट म्यू थ्री डैश जो है वो टी क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल, टी क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल का कोफिशेंट थ्री फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल की वैल्यू सिक्स होती है। म्यू फोर डैश टी रेस्ट टू पावर फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल का कोफिशेंट फोर फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 24 होती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट फोर मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन आ गए जो मैंने सीरीज वाले मेथड से सॉल्व किया। अब अगर आप चाहे इसको डिफरेंशिएट वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, फोर टाइम इसको डिफरेंशिएट देना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट दो, टी इज इक्वल टू जीरो रखो, फर्स्ट मोमेंट आ गया। उसके बाद फिर उसको दो बार डिफरेंशिएट दो, टी इज इक्वल टू जीरो रखो, सेकंड मोमेंट आ जाएगा। उसके बाद फिर डिफरेंशिएट दो तीन बार और टी इज इक्वल टू जीरो रखो, थर्ड मोमेंट आ जाएगा। फोर टाइम डिफरेंशिएट करो टी इज इक्वल टू जीरो को, फोर्थ मोमेंट आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे ये मेथड इसलिए यूज़ किया हूँ क्योंकि यहाँ पे सीरीज हमारे को दिख रहा है, ये फार्मूला हमारे को याद है, हमने इसको लगाए और इस तरह से इसको मैच करें और चारों मोमेंट्स जो है वो एक साथ लिख लिए। ठीक है, अब हमको कैलकुलेट करना है फर्स्ट फोर मोमेंट्स अबाउट मीन। इसके डायरेक्टली रिजल्ट है हमारे पास, जो मैंने आपको लिखाया था वो डायरेक्टली रिजल्ट रखना है और इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करके आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट फोर मोमेंट्स अबाउट मी, जिसमें से फर्स्ट मोमेंट जो है वो म्यू वन इज इक्वल टू तो जीरो ही होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड मोमेंट म्यू टू इज इक्वल टू होता है, इसका रिजल्ट है हमारे पास म्यू टू डैश माइनस म्यू स्क्वायर। ये जो म्यू दिख रहा है ये म्यू क्या है, ई ऑफ एक्स है, ई ऑफ एक्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 1। ठीक है, तो इक्वल टू आंसर आएगा म्यू टू डैश की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, माइनस उसके बाद म्यू मतलब ई ऑफ एक्स है, इसको ई ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं या फिर म्यू वन डैश भी बोल सकते हैं, ये सब सेम है। और म्यू वन डैश और ई ऑफ एक्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 1। ठीक है, तो म्यू की वैल्यू है 1, तो इक्वल टू आंसर कितना हो गया, ये 1 स्क्वायर हो जाएगा, 2 माइनस 1 दैट इज आंसर 1। ये सेकंड मोमेंट अबाउट मीन हो गया। उसके बाद म्यू थ्री इज इक्वल टू क्या है, थर्ड मोमेंट म्यू थ्री डैश माइनस 3 म्यू टू डैश म्यू प्लस 2 म्यू क्यू। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको डायरेक्टली याद रखना है, इसकी वैल्यू रखेंगे म्यू थ्री डैश की वैल्यू 6 है, माइनस 3 इंटू म्यू टू डैश की वैल्यू 2 है और म्यू बोले तो 1 है, प्लस 2 इंटू 1 क्यूब। इसको सॉल्व कर लेते तो ये हो गया 6, ये भी 6 हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 2 आंसर म्यू 3 इज इक्वल टू। उसके बाद लास्ट है म्यू 4, फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन म्यू 4 डैश माइनस 4 म्यू 3 डैश म्यू प्लस 6 म्यू 2 डैश म्यू स्क्वायर माइनस 3 म्यू रेस्ट टू पावर 4। ठीक है, ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है। फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन म्यू 4 डैश इज इक्वल टू कितना है, 24 है, माइनस 4 इंटू म्यू 3 डैश की वैल्यू 6 है, म्यू 1 है, प्लस 6 इंटू म्यू टू डैश की वैल्यू 2 है और म्यू मतलब 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 रेस्ट टू पावर 4। अभी सबको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो गया 24 और ये 24 से 24 क्या हुआ कैंसल, इसका आंसर कितना आया 12 माइनस 3 9, तो ये हो गया 9 म्यू 4। तो फर्स्ट फोर मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन आर 0 1 2 9, तो ये 8 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस तरह से जो है मोमेंट एक मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन फॉर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सेम है जैसे हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए सॉल्व किए थे, वहाँ पे हम समेशन लगाए थे, यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन से सॉल्व किए हैं। अब मैं इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल आपको होमवर्क देता हूँ, वो होमवर्क आपको सॉल्व करना है, डाउट्स आते हैं तो डाउट्स मेरे से आपको पूछना है। ये क्वेश्चन जो है होमवर्क रहेगा, अ रैंडम वेरिएबल एक्स हैज डेंसिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2e^-2x, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, एक्स लेस देन 0, फाइंड ई ऑफ एक्स स्क्वायर वेरियंस ऑफ एक्स सिग्मा एक्स ई ऑफ 2x प्लस 3 ई ऑफ एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर एम एक्स ऑफ टी, फर्स्ट फोर मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन।
तो देखो ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल सॉल्व किया था। अब यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो है ई ऑफ 2x प्लस 3 ये वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में सॉल्व किए थे, आपके पास सॉल्व होगा कॉपी के अंदर। ये भी क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर से इसको एक्सपांड करेंगे, ई ऑफ एक्स की वैल्यू, ई ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू और ई ऑफ 1 की वैल्यू 1 यहाँ पे रख के इसको कैलकुलेट कर लेंगे। दो तीन स्टेप में इसका आंसर आ जाता है। एम एक्स ऑफ टी मतलब मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कैलकुलेट करना है, फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन कैलकुलेट करना है ओनली, मीन यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखें, अगर आपको इसको डाउट आते हैं तो डाउट मेरे से पूछें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में हम और भी जो है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन फॉर कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।